कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने और सूरत की अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में रविवार को सत्याग्रह का ऐलान किया। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। शिमला शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। इसी के तहत शिमला में भी रिज मैदान पर राहुल गांधी के समर्थन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की और जो समर्थन लोगों को उन्हें मिला उससे मोदी सरकार पूरी तरह घबरा गई है और इस तरह के हथकंडे अपनाकर लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द की गई है। जितेंद्र चौधरी ने कहा कि इससे राहुल गांधी और कांग्रेस घबराने वाली नहीं है, राहुल गांधी के साथ देश की जनता और कांग्रेस खड़ी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज हम जो संकल्प सत्याग्रह है उस पे बैठे हैं। ये सत्याग्रह सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था और 5 बजे तक चलेगा। जैसे कि आपको मालूम ही है, जो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारू हुई है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे महबूब नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ जो उनकी लोकसभा की मेंबरशिप इन्होंने सस्पेंड की है, उसको लेके हम जितने भी कांग्रेस के भाई बहन हैं और इस देश के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका प्रभाव देखते हुए ये जो सरकार है भाजपा की, केंद्र की सरकार, वो दबाव में आके आनन फानन में लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है। इसका हम विरोध करते हैं और हम श्री राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।